नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और राजस्थान के सभी मुद्दों पर धारा प्रवाह में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है थिंक 360 के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सत्तावत। सर, दो एक और इवेंट पर आप देखिए कि दो नेताओं को हम यहाँ पर लेते हैं। एक तो रामेश्वर डूडी, उन्होंने एक किसान सम्मेलन जसरासर में करवाया। चर्चा इस तरह की कि जाट वोट बैंक को साधने के लिए रामेश्वर डूडी को अब एक्टिव किया जा रहा है, उनके बोल्ड बयान भी देखने को मिले हैं। उसी के सिमिलर आप हेमाराम चौधरी को, काफी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जाट समाज से आते हैं, तो उसके काउंटर में आप किस तरह से देखते हैं कि अशोक गहलोत रामेश्वर डूडी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान का ही एक जिला हेमाराम चौधरी काफी प्रभाव रखते हैं और वो सचिन पायलट के साथ में, या फिर सचिन पायलट को अपने इवेंट में बुला रहे हैं। डूडी के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जी। रामेश्वर डूडी एक वक्त में चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष के बतौर और पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट थे, इनकी एक बड़ी टीम थी। जी। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो अचानक पता चला कि वो गहलोत के साथ है, पायलट के विरोध में खड़े हुए हैं। जी, तो आज वो गहलोत के साथ दिख रहे हैं, तो आप ये मान के नहीं चलिए कि वो आगे भी जाकर के गहलोत, क्योंकि हेमाराम चौधरी का जो स्टैंड है वो, क्योंकि वो लगातार जो है एक जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं। जी, तो बेसिक चीज ये होती है कि जब आदमी राजनीतिक तौर पे जी कमजोर होता है या उसको कमजोरी आती है तो जाति उसको सबसे बड़ा मजबूत सहारा मिलती है। एक टर्म भी पिछले कुछ दिनों पहले किसी ने टिकट के सिलसिले में किया था, उन्होंने कहा कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास सीड मनी होनी चाहिए। राजनीति में सीड मनी क्या है? जाति। जाति जी, वो अपने वोट बैंक को लेकर के जाना चाहते। नोखा में अगर आप देखेंगे तो आप गहलोत के स्पीच को देखिए, नोखा की जिले की डिमांड लगातार थी। रामेश्वर डूडी ने क्या नोखा के जिले की डिमांड नहीं की होगी? जी, मुझे लगता है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि रामेश्वर डूडी जाट नेता होने से पहले व्यापारिक संस्थानों के वो रहे हैं, मंडी में उनका बड़ा कारोबार रहा है। वहीं पे गहलोत स्पीच देते हैं कि मैंने 19 जिले बना दिए, जो जिसने मांगा मैंने दिया। उसी मंच पे वो एक तरह से मैसेज भी ये देकर के आ गए हजारों लोगों की मौजूदगी में कि आपके नेता ने जिले की डिमांड नहीं की जी, अगर करते तो मैं नोखा को जिला डिक्लेयर कर दे। तो आप इसको देखेंगे कि राजनीति में इस तरह की जो सांकेतिक भाषाएं होती है वो कई बार आदमी को लगता तो ये है कि वो मेरे साथ खड़ा है, लेकिन वो बड़े तरीके से अपने राइवल को खत्म करता है। मुझे एक किस्सा याद आता है जी कि मदनपुर पचपदरा से जी चुनाव लड़ रही थी, वो मंत्री भी रही, वन मंत्री रही राजस्थान की जी, फिर वो जनता दल से कांग्रेस में आई। कांग्रेस की बड़ी लीडर वो रही, वहां पे राजेश पायलट प्रचार के लिए जाने वाले थे लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया कि जगह जगह पे धुआं कर दिया गया, जिससे वो जो पायलट है वो कंफ्यूज हुआ और वापस राजेश पायलट का जो हेलीकॉप्टर वो चला गया। तो उसी मंच से खेत सिंह राठौड़ का एक स्पीच होता है और खेत सिंह राठौड़ टारगेट करते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी पे कि ये बदमाश होते हैं, इन्होंने ये ऐसा किया। तो जब मंच से उतरने के बाद में उनके कार्यकर्ता ने कहा साहब इससे तो नुकसान होगा, बालोतरा में ये स्पीच दे रहे हैं, मदन कौर जी को नुकसान होगा, तो उन्होंने हाथ दबाते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है मदन कौर के फेवर में बोल करके आया। तो मुझे जब नोखा का भाषण सुन रहा था गहलोत का तो मुझे खेत सिंह राठौड़ याद आ रहे थे जी। मुझे लग रहा था कि जो सेवा खेत सिंह राठौड़ ने मदन कौर की वही नोखा में गहलोत साहब ने रामेश्वर डूडी की कर दी। इसीलिए रामेश्वर डूडी अगर अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए मुख्यमंत्री जाट का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि कहीं कहीं उनको कमजोरी महसूस हो रही जी। तो तमाम मुद्दों पर आज हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।